सबसे पहले क्या था? अमीबा। एक से दो हुए ऐसे, फिर दो से हुए चार, और चार से हुए आठ। ऐसे ही धीरे धीरे एक पिरामिड सा बनता गया। यानी कि एक अमीबा के दो हिस्से से बने हम लोग पीछे जाकर सिंगल सेल से बने अपने पूर्वज से अगर मिल जाते हैं तो इसे कहा जाता है सबसे नजदीक का सोलमेट। तो कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण की 16,000 गोपियां थी, पर हर स्थान पर भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा जी को ही पूजा जाता है। क्यों? क्यों? सोलमेट विज्ञान है पूरा और सिद्ध किया हुआ। आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि अगर इंसान को अपने जीवन में अपना सोलमेट मिल जाए तो धरती पे जन्म लेना सफल हो जाता है। प्रजनन हेतु जब सोलमेट आपस में समागम करते हैं तो एक ऐसे संतान की उत्पत्ति होती है जो अवतार कहलाता है। तो हमें तो बस अपने सोलमेट को ढूंढना है, बाकी दुनिया को तो अवतार संभालेगा। और ये अवतार आएगा कहां से? हमारा जन्म नहीं हुआ था, हम अवतरित हुए थे। बाबूजी की विचित्र औषधियों, माँ जी की योग सेवा और नक्षत्रों के उत्तम संयोग से हम इस कलयुग में आए। हमें 4 साल की आयु में गीता कंठस्थ थी। हमें गहरा एहसास होता था कि हमारा जन्म समय की दिशा पलटने के लिए हुआ था। बाबूजी, हम कहाँ जा रहे हैं? बाबूजी हमारा जवाब देते, लेकिन 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार उनके तेज से भयभीत होकर उन्हें ले गई। बाबूजी कभी वापस नहीं आए। हम किसके अवतार थे ये बाबूजी ने नहीं बताया था। हमें स्वयं मालूम करना था, हमें किसका संहार करना था, ये सवाल हम स्वयं से रोज पूछते। आत्मचिंतन के बाद एक दिन जवाब प्रकट हुआ। हमें उस युग का संहार करना है जिसमें हमारे बाबूजी जैसे सत्पुरुष की जगह नहीं थी। हमें कलयुग का संहार करना है, हमें सतयुग लाना है।